नमस्कार, इन खबर के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है और इसीलिए देश भर में लॉकडाउन है। लॉकडाउन का मतलब आप सब घर में लॉक्ड रहें, किसी भी वजह से आप बाहर ना निकलें, तभी कोरोना वायरस की इस चेन को तोड़ा जा सकता है। वो चेन जो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में और न जाने कितने लोगों को इसी तरीके से अपने शिकंजे में ले चुका है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में क्या लॉकडाउन फेल हो गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के नाम पर मकसद में 1500 से 1700 लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होता है और इन लोगों में कई लोग विदेशों से आए हुए होते हैं और वो लोग होते हैं सो कॉल्ड धर्मगुरु। धर्मगुरु का मतलब समझते हैं आप? वो जो धर्म की रक्षा करे, जो धर्म का पाठ हमें पढ़ाए, जो धर्म का ज्ञान हमें दे और धर्म के असल मायने समझाएं। आपको लगता है किसी भी धर्म में लिखा होगा कि अपनी जान जोखिम में डालो और किसी भी धार्मिक आयोजन में शामिल हो जाओ? क्या किसी भी धर्म में ऐसा लिखा होगा कि आप सारे नियम कानून को धज्जियां उड़ाकर उन्हें साइड में रखकर किसी भी आयोजन में शरीक हो जाओ? नहीं। दिल्ली सरकार की तरफ से दिशा निर्देश पहले से जारी किए गए थे। दिल्ली सरकार के ऑर्डर की वो कॉपी हमारे पास है। 13 मार्च का ऑर्डर था जिसमें लिखा था साफ साफ कि 200 से ज्यादा लोग कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते, किसी तरह का वो ऐसा समारोह नहीं हो सकता जिसमें 200 से ज्यादा लोग शामिल हो, मनाही थी। उसके बावजूद 13 से 15 मार्च के बीच में ये धार्मिक आयोजन हुआ। यहाँ पर 1500 से 1700 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। 16 मार्च को एक और ऑर्डर की कॉपी है, दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की गई थी क्योंकि कोविड-19 लगातार अपने पांव पसार रहा था आगे की तरफ। इसी की गंभीरता को देखते हुए एक और ऑर्डर जारी हुआ जिसमें साफ लिखा था 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा एक जगह नहीं हो सकते। उसके बावजूद 13 से 15 मार्च के बीच में ये धार्मिक आयोजन निजामुद्दीन में होता है। सबकी वहाँ पुलिस भी होगी, शासन प्रशासन के लोग भी होंगे, लेकिन सबकी आंखों में धूल झोंक कर ये आयोजन हुआ क्या, या फिर ये कहें कि सबकी नाक के नीचे ये आयोजन हुआ क्या, किसी को खबर नहीं लगी। आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज ने सबसे पहले खबर दिखाई और इस खबर को प्रमुखता से लेते हुए कार्रवाई हुई है। कई लोग अस्पताल पहुंचे हैं, कई लोग क्वारंटीन के लिए रखे गए हैं, कई लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है, उनकी निगरानी की जा रही है। 24 लोग संक्रमित निकले हैं, आप समझिए 24 लोग संक्रमित जिनकी पुष्टि हो गई है। एक शख्स इनमें से वापस कर्नाटक लौटा था, मौत हो गई है उस मौलवी की। अब आप समझिए कि अगर 1500 से 1700 लोग इस आयोजन में शामिल हुए, वो अपने अपने घर लौटे होंगे। कोई बस से गया होगा, कोई ट्रेन से गया होगा, कोई अपनी गाड़ी से गया होगा या फिर किसी और साधन से गया होगा। अगर गलती से भी वो कोरोना संक्रमित हुआ तो न जाने कितने लोगों को संपर्क में लेते हुए, रास्ता काटते हुए, सफर तय करते हुए अपने घर लौटा होगा और घर लौटकर न जाने कितने लोगों से मिला होगा। आप समझिए हजारों लोगों की जान जोखिम में डाल दी गई कुछ सो कॉल्ड धर्म गुरुओं ने, कुछ सो कॉल्ड मौलाना, जो ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गया धार्मिक आयोजन के नाम पर और फिर बाद में जब उनसे सवाल पूछा गया तो साफ मुकर गए। उनका कहना ये था जो जरूरी इंतजाम सरकार को करने चाहिए थे वो पहले किए नहीं। सवाल तो आपसे भी होगा, सवाल ये कि जब सरकार की तरफ से नियम बना दिए गए थे, दिशा निर्देश थे, घरों में रहने के लिए कहा गया था, किसी भी तरह के आयोजन पर पाबंदी थी, तो कैसे मरकज में 1500 से 1700 लोग इकट्ठा हो गए और न जाने कितने लोगों की जान जोखिम में डाल दी। अभी भी वक्त है, न जाने ऐसे कितने धर्म गुरु आपको मिल जाएंगे, आपको बरगलाने की बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी समझ, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तभी कोरोना की इस चेन को तोड़ा जा सकता है।